देयर इज एन इंटीमेट अभिन्न रिलेशनशिप संबंध बिटवीन माइंड एंड बॉडी, दिमाग और शरीर में. देयर इज एन इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी, दिमाग और शरीर में एक अभिन्न संबंध होता है. मीन्स ऐसा संबंध होता है कि जिसको हम अलग नहीं कर सकते, वो अभिन्न होता है. अ हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड, एक निरोगी शरीर में एक निरोगी दिमाग होता है. स्टूडेंट्स शुड डेवलप, विद्यार्थियों को विकसित करना चाहिए, नॉट ओनली देयर माइंड्स, सिर्फ अपने दिमाग को नहीं, बट देयर बॉडी ऑल्सो, बल्कि अपने शरीर को भी. स्टूडेंट शुड डेवलप नॉट ओनली देयर माइंड्स बट देयर बॉडी ऑल्सो, विद्यार्थियों को सिर्फ अपने दिमाग को ही विकसित नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने शरीर को भी विकसित करना चाहिए. मतलब कि सिर्फ हमें पढ़ाई ही पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए, इसका मतलब ये हुआ. सो नेक्स्ट, वी कैन नॉट डू एनी हार्ड वर्क, हम नहीं कर सकते मेहनत का काम. इफ़ वी हैव पुअर हेल्थ, यदि हमारा स्वास्थ्य खराब है. वी कैन नॉट डू एनी हार्ड वर्क इफ़ वी हैव पुअर हेल्थ, यदि हमारा स्वास्थ्य खराब है तो हम कोई भी मेहनत का काम नहीं कर सकते या कोई भी कठिन काम नहीं कर सकते. देयरफॉर इसीलिए हेल्थ इज़ एज नेसेसरी, हेल्थ स्वास्थ्य उतना ही आवश्यक है फॉर अस, हमारे लिए, एज एजुकेशन, जितना कि शिक्षा. देयरफॉर हेल्थ इज एज नेसेसरी फॉर अस एज एजुकेशन, इसीलिए स्वास्थ्य हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि शिक्षा. दैट इज़ वाई, इसी कारण से दीज डेज, इन दिनों, इन स्कूल्स, विद्यालयों में ग्रेट इम्पोर्टेंस, बहुत महत्व इज गिवन, दिया जाता है टू फिज़िकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा को. दैट इज़ वाई दीज डेज इन स्कूल्स ग्रेट इम्पोर्टेंस इज गिवन टू फिज़िकल एजुकेशन, इसी कारण से इन दिनों शारीरिक शिक्षा को स्कूलों में या विद्यालयों में बहुत महत्व दिया जाता है. सो आज जो वर्ड्स हमने लर्न करे वो हैं इंटीमेट मीन्स अभिन्न, जिसको हम अलग नहीं कर सकते, रिलेशनशिप संबंध, हेल्थ स्वास्थ्य, डेवलप विकसित, हार्डवर्क मेहनत का काम, या मेहनत करना भी होता है हार्डवर्क का मतलब. देयरफॉर इसीलिए, एजुकेशन शिक्षा, दैट इज़ वाई ये फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है इसी कारण से, ग्रेट बहुत, इम्पोर्टेंस महत्व, फिजिकल एजुकेशन मतलब कि शारीरिक शिक्षा, या हम कह सकते हैं कि व्यायाम. तो हमने इससे ये सीखा कि हमें सिर्फ अपने दिमाग को ही विकसित नहीं करना चाहिए, मतलब सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें अपने शरीर को भी विकसित करना चाहिए, मतलब कि हमें एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना चाहिए, फिज़िकल एजुकेशन, फिजिकल एक्टिविटी पर भी ध्यान देना चाहिए. आज के लिए इतना ही. आई होप यू लाइक द वीडियो, और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.